हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिद्धि ब्लॉग्स। आज मैं आपके सामने कोई कुकिंग ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। इनफैक्ट इट्स मोर लाइक थिंक अलाउड ब्लॉग, जिसमें कि मैं लॉकडाउन से रिलेटेड कुछ बात करना चाहूँगी। जैसे कि इंडिया में लॉकडाउन कुछ और वक्त के लिए बढ़ गया है, तो ये काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है बहुत लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ, जो अगर आप अपने डेली रूटीन में अपना पाएँ तो आपका लॉकडाउन पीरियड जो है बहुत स्मूथली चला जाएगा। जिसमें से फर्स्ट है, स्कूल चले हम। हमें सच में स्कूल नहीं जाना है, लेकिन हमें घर में ही एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जिसमें घर के सारे फैमिली मेंबर्स पार्ट लेंगे और एक टाइम पे एक फैमिली मेंबर टीचर बनेगा और बाकी मेंबर्स बच्चे बनेंगे। बच्चों को एक एक करके आगे आना है और अपना जो भी टैलेंट है, सिंगिंग, डांसिंग, जोक बताना या कुछ भी और हो सकता है, उसको सब लोगों के साथ शेयर करना है। ये एक्टिविटी आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इसमें सारे मेंबर्स का साथ होना ज़रूरी है। कोई एक भी छूट गया तो ये एक्टिविटी बेकार है। सेकंड है, फ़ोन अ फ्रेंड। अब इसमें आप अपने किसी फ्रेंड, किसी कज़न, किसी रिलेटिव, किसी को भी कॉल करना चाहते हैं जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, जिनसे आपको बात करके आपके थोड़ा सा स्ट्रेस दूर होता है। वो कोई भी हो सकता है, आपका करीबी दोस्त या आपका रिश्तेदार। इस वक्त ये बोलते हुए मुझे खुद अपने उन फ्रेंड्स की याद आ रही है, जिनसे मैंने घंटों फ़ोन पर बात की है जब भी मुझे कोई भी स्ट्रेस होता था। और यकीन मानिए, उस कॉल के बाद मैं बहुत लाइट फील करती थी। वो एक गाना सुना है ना, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब मिलाइए अपने किसी भी करीबी फ्रेंड को फ़ोन और इन्जॉय करिए एक अच्छी सी चैट। रिमेंबर, हमें लॉकडाउन में रहना है, आइसोलेशन में नहीं। और इसी से हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, हेल्प इन फ्यू हाउस होल्ड कोर्स। इस लॉकडाउन में हम सबको थोड़ा इतना कहीं ना कहीं ब्रेक मिला है, लेकिन जिसको ब्रेक नहीं मिला है, उसको जो घर के ये सारे काम करता है, वो कोई भी हो सकता है, आपकी मदर, आपके फादर, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, कोई भी। तो अगर आप घर में रह रहे हैं और ये आपका काम नहीं भी है, बट ये घर का काम है, तो प्लीज़ इसमें हाथ बटाइए। आपकी छोटी से छोटी हेल्प घर के काम में एक बहुत बड़ी हेल्प साबित हो सकती है। मे बी एक ग्लास को इधर से दूसरी जगह रखना, मे बी बॉटल्स भर देना, मे बी कूलर में पानी फिल करना। ये काम अभी सुनने में बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये काम अगर किसी को रोज़ करने पड़े 30, 40, 50 दिन तक, तो मेरा यकीन मानिए, ये काम छोटे नहीं रह जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए और दूसरे का स्ट्रेस दूर करिए। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे चौथे पॉइंट की तरफ, जो है सेंड अ सीक्रेट विश टू द यूनिवर्स। आपने शाहरुख खान की ओम शांति ओम में वो डायलॉग तो सुना है ना, किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। ऐसी ही कोई भी सीक्रेट विश आप भी यूनिवर्स तक पहुंचाइए और देखिए कैसे यूनिवर्स उसके लिए कॉन्स्पायर करता है कि वो आप तक पहुंचे। हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है जल्दी मिल जाए, पर जो भी है, यूनिवर्स आप तक वो चीज़ पहुँचा देगा। आपको करना सिर्फ इतना है, पॉजिटिव रह के अपनी उस विश को यूनिवर्स के पास पहुँचाने के बाद उस पर ट्रस्ट करना है कि वो आप तक आएगी, और ज़रूर आएगी। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। जी हाँ, इस माहौल में जहाँ पूरी दुनिया एक बहुत ही हॉरिबल सिचुएशन से गुजर रही है, हमें ज़रूरत है ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की, हर उस इंसान को, उस पावर को जिसने हमें अभी तक सर्वाइव करने में हेल्प की है। वो पावर कोई भी हो सकती है, आपकी खुद की इंटरनल पावर, आपकी रिलेशनशिप की पावर, आपकी स्पिरिचुअल पावर, जो भी आप रिलीजियस बिलीफ रखते हैं उसकी पावर। हमें ज़रूरत है उन सबको थैंक्स बोलने की। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज ये वीडियो बना पा रही हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं आज सर्वाइव कर गई हूँ इतना, और सेफ हूँ अपने घर में। इसी के साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने घर के बाहर की एक ट्री की, जो कि अगर विंटर्स में आपने देखा होता तो आपको इसमें एक भी पत्ता नहीं दिखता, लेकिन आज देखिए कितना हरा भरा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि पेड़ उस वक्त टूटा नहीं, टिका रहा। और हमें भी ऐसे ही टूटना नहीं है, टिके रहना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।